हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं फिजिकल एजुकेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। आप भी अपना स्कोर चेक करने के लिए रेडी हो जाइए। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है और हर वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव होता है। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते रहे तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे दोस्तों, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी वैकेंसियां अभी, जैसे कि NVS आपका जुलाई में फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, एकलव्य का आया है, एंड MPTET जिसने क्वालिफाई कर गया है, मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, UPTGT अभी तक नहीं हुआ है, बहुत लेट हो चुका है, तो अब होगा ही, सबसे पहले वही होगा, एंड LD ग्रेड का भी आएगा, अभी तक नहीं आया है तो ये गोल्डन चांस है कि अब आएगा। तो दोस्तों, एंड अन्य स्टेट के किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीजें बताया गया है डिटेल में, एंड 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन का मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह 77वां वीडियो है। तो दोस्तों, टाइम नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 1900 पेरिस फ्रांस में भाग लिया, एंड वो भी भारत की तरफ से एंग्लो इंडियन नागरिक था नॉर्मन प्रिचार्ड, जिसने 200 मीटर दौड़ एंड 200 मीटर बाधा दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों, एक और क्वेश्चन होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1900 पेरिस फ्रांस। एक और क्वेश्चन होता है कि महिलाएं प्रथम बार प्रतिभाग कब की, तो इसका भी आंसर है 1900 पेरिस फ्रांस में, ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की अस्थियों को किस आधार पर वर्गीकृत यानी कि वर्गीकरण किया गया है? तो दोस्तों, मानव शरीर की अस्थियों को रचना एवं कार्य यानी आकार आकृति के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, कौन कौन से 5 भाग, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमॉइड बोन। लॉन्ग बोन में ये लीवर का लंबी अस्थि जो है लीवर का काम करती है, जैसे हाथों पैर में ज्यादा तब पाई जाती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आदि, एंड ये खोखली होती है, इसी के अंदर जो खोखले भाग होती है उसको हेवेसियन नाल कहते हैं, जिसमें बोन मैरो होता है जिससे रक्त का निर्माण होता है, ये अधिक बोझ ढोने में अच्छा होता है, हल्की होती है। दूसरा होता है शॉर्ट बोन, जो हमारे कलाई और टखने की अस्थियां होती है, कार्पस और टार्सस, वो होती है, ठीक है। एंड तीसरा होता है फ्लैट बोन, जो हमारी खोपड़ी, पसलियां और इसके पुला की हड्डियां होती हैं। चौथा है इरेगुलर बोन, अनियमित बेडोल अस्थियां, जिसे चेहरे की कुछ अस्थियां और रीढ़ की हड्डियां आती हैं। सिसमॉइड बोन, जिसे कंडरा अस्थियां भी बोलते हैं। पांचवा है ये कंडरा यानी टेंडन में विकसित होने वाली जोड़ों के आसपास से गुजरने वाली होती हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पटेला, घुटने की जो हड्डी है पटेला, इस प्रकार बांटा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सही उत्तर बताएं कि कार्यमान यानी परफॉर्मेंस हेतु घर्षण जो है ऋणात्मक बल है, ख है कार्यमान हेतु घर्षण धनात्मक बल है, ग है कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों बल है। तो यहाँ पे आपका ग राइट हो जाएगा, क्योंकि घर्षण बल ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, ठीक है। घर्षण बल ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, जैसे कि खुरदुरी सतह पर धनात्मक बल होता है और चिकनी सतह पर ऋणात्मक बल होता है। नेक्स्ट है, अधिगम यानी लर्निंग के अंतर्दृष्टि इनसाइट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चेन्नई में, कहाँ पे हुआ था? चेन्नई मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में SC बक की सहायता से, जिसके प्रथम प्राध्यापक भी थे SC बक। SC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का ध्येय यानी एम यानी उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है क्रीड़ा मान की उन्नति यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्यों ट्रेनिंग किया जाता है कि स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, तो यही उसका ध्येय यानी लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है शोध का एक आवश्यक साधन है, शोध एक आवश्यक साधन है किसका दोस्तों, प्रश्नावली का। अगर प्रश्न होगा, कारण होगा, समस्या होगा, तभी तो हम उसका शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। तो दोस्तों जो यहाँ पे ग आपका राइट हो जाएगा, परीक्षण या मापन मूल्यांकन का हिस्सा है, क्योंकि सबसे पहले परीक्षण होता है, फिर मापन होता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है, जिसके क्राइटेरिया निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य है। तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य है कि अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। यह क्या कराता है, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन नियोजन कराता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक आधार कौन हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग असामाजिकरण की प्रक्रिया, ये आपका हो जाएगा घ तीसरा और चौथा, ये आपका शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना करता है, ठीक है। अनुसारिक गठन और मोटर लर्निंग आपका नहीं है। नेक्स्ट है छोटी आंत में पचे हुए पदार्थ खाद्य पदार्थ किससे अवशोषित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यहाँ पे विलाई होता है, क्या होता है, विलाई और विलस। तो छोटी आंत में अंकुर उंगलियों की तरह विलाई होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना का पाचन, भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में टाइलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथियों से निकलती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। और सब पाचन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, पाचन का प्रारंभ जो है, पाचन का प्रारंभ मुख से होता है, बट भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाचन के बाद जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण हो जाता है विलाई में, ठीक है। और विलाई में बहुत सारे रक्तवाहिनियाँ होती हैं, तो विलाई अवशोषित करके रक्तवाहिनियों को दे देता है, जिससे हमारे समस्त शरीर में पोषक तत्व पहुँचता है। नेक्स्ट है कोणीय द्रुत गति एंगुलर वेलोसिटी आधारित होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी उल्टा घूमने की त्रिज्या रेडियस पर आधारित होती है। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे घ ख आपका राइट होगा। कोणीय द्रुत गति आधारित होती है किस पे, 3 और 2 किस पे होती है, 3 और 2 यानी उल्टा घूमने की त्रिज्या पर, प्रत्यक्ष रेखीय गति द्रुत गति, ठीक है, प्रत्यक्ष रेखीय द्रुत गति इस पर आधारित होती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन में सम्मिलित होता है। उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन में सम्मिलित होता है निर्देशन यानी डायरेक्शन, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, निरंतरता यानी कि परसिस्टेंस। तो ये तीनों चीज मोटिवेशन उत्प्रेरणा में शामिल होता है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा, केवल 4 यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट है। नेक्स्ट दोस्तों सूक्ष्म पौष्टिक आहार में होता है, जैसे कि आवश्यकता के आधार पर दो भागों में बटा गया है, माइक्रो पोषक तत्व और माइक्रो। माइक्रो जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा हो गया, एंड माइक्रो पोषक तत्व में विटामिन एंड खनिज बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन एंड खनिज लवण, तो 3-2 हो जाएगा। कहाँ है 3-2, 2-3 यहाँ पे ख पे है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है, जो इंटरवल
ट्रेनिंग मेथड होता है अंतराल प्रशिक्षण, वो किस पे आधारित होता है दोस्तों? जैसे कि अंतराल प्रशिक्षण में अनकम्प्लीट रिकवरी रखा जाता है, जैसे ही हार्ट रेट आपका 180 तक पहुंचता है कार्य को रोक दिया जाता है, ट्रेनिंग को रोक दिया जाता है, और जैसे ही पुनः हार्ट रेट 120 से 140 पर पहुंचता है कार्य को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। तो एक तो हो गया हृदय की गति दर एंड लैक्टिक एसिड संकेंद्रण, यानी कि भार की, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, हृदय की गति और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 कहाँ दिया है दोस्तों? घ। नेक्स्ट है, शोध समस्या में निम्नलिखित विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। तो शोध समस्या में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए दोस्तों? तो इसमें होनी चाहिए 1, 3, 4 राइट हो जाएगा इसका, यानी कि नवीनता होना चाहिए, संभाव्यता होना चाहिए, यानी कि फैसिबिलिटी होना चाहिए, एंड सरलता यानी सिंप्लिसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। नेक्स्ट है, एक आदर्श परीक्षण का मापदंड क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों आदर्श परीक्षण के क्राइटेरिया वाले वीडियो को देखिए, पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक आदर्श परीक्षण का क्राइटेरिया होता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, ये होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी हो जाएगा एंड नॉर्म्स हो जाएगा, ये दो चीजें। 1 और 4 कहाँ पे दिया हुआ है? 1 और 4 नॉर्म्स, तो 1 और 4 कहीं नहीं दिया है, हाँ यहाँ पे घ में दिया हुआ, कहाँ है? 4 और 1। ठीक है, नेक्स्ट है अंतः प्रतिष्ठानित प्रतिस्पर्धा, यानी इंट्रामुलर कंपटीशन का मुख्य ध्येय होता है। इंट्रामुलर जो विद्यालय के चार दीवारी के अंदर कंपटीशन कराया जाता है, और एक्स्ट्रामुलर जो एक विद्यालय से दूसरे, एक संस्था से दूसरे संस्था में कंपटीशन कराया जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंट्रामुरल कंपटीशन का मुख्य ध्येय क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को जन सहभागिता का अवसर प्रदान करता है, राइट है, एंड अंतः विद्यालय स्पर्धा का अनुभव प्रदान करता है। तो 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा, 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से, स्टेटमेंट बेस पे है। अभिकथन ए है कि प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के अनुसार शारीरिक शिक्षा का ध्येय यानी एम आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, ये राइट है। एंड प्रकृतिवाद के दौरान रूसो है दोस्तों, एंड आर इसके कथन का कारण बताया गया है कि प्रकृतिवाद प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी पर विश्वास नहीं करता। तो दोनों कथन राइट है, यहाँ पे क्या है? दोनों कथन राइट है, यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों राइट है, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए में है कि आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रिस्पायरेशन का अर्थ है कोशिका यानी सेल में वह द्रव्य यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का माध्यम से गैसेज का विनिमय एक्सचेंज होगा, ये बात राइट है दोस्तों, ये बात राइट है। एंड आर यानी तर्क क्या दिया गया है कि फेफड़े का रक्त संचालन का अर्थ है समग्र रक्त संचार, नहीं दोस्तों यहाँ पे आपका आर गलत लग रहा है, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ग, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि शरीर के गुरुत्व मध्य यानी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाने से स्थिरता बढ़ती है। दोस्तों जैसा कि मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले वीडियो में बताया है कि जितना नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतना ही संतुलन अच्छा होगा, जैसे कि महिलाओं का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पुरुषों से नीचे होता है, इसे संतुलन वाली क्रियाएं महिलाएं ज्यादा पुरुषों से अच्छा कर सकती हैं। आ रहा है इसके तर्क में कि संतुलन का गुरुत्व मध्य सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई से अवरोध संबंध होता है, ऊंचाई से अवरोध यानी कि ऊंचा जितना रहेगा उतना ही कम संतुलन रहता है, इसे अवरोध संबंध होता है। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अभिकथन ए में है कि क्षतिकारक आक्रामकता दूसरों के शारीरिक क्षति पहुंचाने हेतु उकसाती है, बात सही है। आर है कि आक्रामकता का इरादा दूसरे व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक क्षति पहुंचाना होता है, ये भी राइट है। इस प्रकार आपका दोनों राइट है, तो सही क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, आर ए का सही कारक है। नेक्स्ट है भारतवर्ष ने आजादी से पूर्व
एक भी सारी शिक्षा का प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं था। तो एकदम गलत है दोस्तों, था। अर्थ है कि YMCA ने 1920 में चेन्नई में सारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारंभ किया, ये बात सही है। इसका मतलब ये गलत है, आर सही है, ठीक है, ये गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा घ, आर सही है परंतु ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक ग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, बात सही है, नहीं तो उसको भी दूसरे के भी संक्रमण हो जाएगा। आर है कि अलग रखना संक्रमण की रोकथाम का उपाय है, एकदम दोनों राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, आर एक आर सही स्पष्टीकरण है, क्या आप पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबी दूरी की दौड़ का कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण की लगातार पद्धति कंटिन्यूअस मेथड प्रभावी होता है, एकदम राइट है दोस्तों। लंबी दूरी, लंबा समय का कोई भी क्रिया हो तो उसमें एंड्योरेंस होता है, एंड्योरेंस में आपको लगातार करना पड़ता है, लगातार करने का मतलब आपको सहन शक्ति में विकास करना होता है, एकदम राइट है। एंड आर है कि लगातार प्रशिक्षण कंटिन्यूअस मेथड पद्धति का मूलभूत सहनशीलता बढ़ाती है, एकदम राइट है, दोनों की दोनों राइट है आपका। तो ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है टी टेस्ट का उपयोग दो माध्य के बीच यथार्थ सिग्निफिकेंस अंतर को हेतु होता है, मापन हेतु होता है। एंड आर दिया है दोस्तों कि टी टेस्ट सिद्धांत मूलक संख्यात्मक का एक तंत्र है, तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि चर्बीहीन शारीरिक गठन का अर्थ है बिना शारीरिक वसा के शरीर का भार की मात्रा, शरीर के भार की मात्रा, ये बात सही है। आर है कि शारीरिक बनावट में वे सभी घटक सम्मिलित हैं जिनमें मानव शरीर की रचना होती है, आर सही है, बट ए जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, नियोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन तथा पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के कार्य सम्मिलित हैं। तो प्रबंधन में ये सभी कार्य सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजिंग एक कार्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ये बात राइट है, ये बात राइट है। आर है कि अच्छी शुरुआत यानी आधा काम समाप्त, अच्छी शुरुआत यानी कि आधा काम समाप्त, तो ये बात तो सही है लेकिन ये ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ए और आर दोनों राइट है परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमबद्धता पूर्वक व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LCPE की स्थापना, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय चेन्नई की शुरुआत, विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के शैक्षणिक विभागों की शुरुआत, शारीरिक शिक्षा में MPhil कोर्स की शुरुआत। तो यहाँ पे ग राइट हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका आया था YMCA 1920 में, फिर LCPE की स्थापना हुआ था, फिर थर्ड आपका विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के शैक्षणिक विभागों की शुरुआत, फिर फोर्थ आपका हो जाएगा शारीरिक शिक्षा में MPhil कोर्स की शुरुआत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शारीरिक अवयवों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा और आरोही मतलब छोटा से बड़ा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो बड़ा से क्या संस्थान यानी सिस्टम आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी फोर्थ सबसे पहले हो जाएगा, फोर्थ यानी सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद अंग हो जाएगा, फिर उसके बाद उत्तक हो जाएगा, उसके बाद कोशिका हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ख का क्या है राइट है। इसको अगर आरोही में करेंगे सबसे पहले कोशिका होता है, कोशिका के समूह को समान रचना कार्य करने वाले को उत्तक कहते हैं, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से सिस्टम यानी कि शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कूदते समय संपूर्ण टेक ऑफ के निम्नलिखित चरण होते हैं, तो टेक ऑफ के चरण बता रहा है, ठीक है, पूरा प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा है, तो टेक ऑफ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ख आपका राइट होगा, यानी कि सबसे पहले भूमि स्पर्श करेगा, फिर धक्का देना सहन करेगा, फिर
सक्रिय खिंचाव करेगा, उसके बाद टेक ऑफ लेगा। नेक्स्ट है कौशल अधिगम स्किल लर्निंग हेतु निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्किल लर्निंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ख राइट हो जाएगा। क्या है ख, यहाँ पे राइट हो जाएगा स्किल लर्निंग में, यानी कि पहले प्रस्तुतिकरण अवस्था, यानी पहले क्या करेंगे प्रस्तुतिकरण अवस्था प्रेजेंटेशन फेज को करेंगे, उसके बाद संज्ञानात्मक यानी अपना बुद्धि दिमाग लगाएंगे उसको सीखने में, फिर आपका पहला हो जाएगा संबंध अवस्था एसोसिएटिव फेज करेंगे, उसके बाद स्वचलन अवस्था यानी कि उसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड व्यवस्था में निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट एड में क्या होता है दोस्तों RICE राइस पद्धति अपनाया जाता है। कौन सा पद्धति अपनाया जाता है, RICE। तो सबसे पहले रेस्ट देंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे रेस्ट देंगे, तो यहाँ पे आपका ख राइट हो जाएगा। सबसे पहले आर से क्या हो जाएगा, आर से सबसे पहले रेस्ट देंगे। एस से क्या करेंगे, आर आई है दोस्तों, यहाँ पे क्या है आई है, यहाँ पे आई है RICE, तो आई से क्या हो जाएगा RICE आइस यानी बर्फ लगाना, ठीक है टू में हो जाएगा बर्फ लगाना। फिर उसके बाद सी से कंप्रेशन यानी दबाना यानी बांधना, ठीक है फिर हो जाएगा बांधना। उसके बाद ई से इलेवेशन यानी ऊपर उठाना, इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां भी जैसे देखना है आपको कि पीरियडाइजेशन में तीन काल होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा प्रारंभिक पीरियड यानी कि जो प्रिपरेटरी प्रिपरेशन होता है, उसके बाद स्पर्धा से पूर्व की अवस्था आ जाएगा, ठीक है स्पर्धा से पूर्व की अवस्था आ जाएगा यानी कि पहले वन आएगा फिर फोर आएगा, ठीक उसके बाद क्या आएगा स्पर्धा यानी कंपटीशन पीरियड आएगा, उसके बाद लास्ट में ट्रांजिशन जिसे रिकवरी पीरियड भी कहते हैं वो आएगा। तो यहाँ पे आपका गौर राइट हो जाएगा। प्रीडाइजेशन के बारे में आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध कार्य में परिणाम पाने हेतु निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। तो शोध कार्य में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों का एकत्र करेंगे, ठीक है सबसे पहले आंकड़े एकत्र करेंगे, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, ठीक उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मूल्यांकन परीक्षणों को कालबद्ध क्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी सीक्वेंस में है ये सारी समर्थ, फिजिकल फिटनेस फिर मोटर फिटनेस फिर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस फिर मोटर एजुकेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एक खेल कार्यक्रम के व्यवस्थापन चरणों का सही क्रम बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले तो किसी भी चीज में प्लानिंग यानी नियोजन करेंगे, तो पहले थ्री आ जाएगा, थ्री किस में दिया है ख में दिया है। उसके बाद हम बजट का निर्माण करेंगे कितना आय व्यय लगेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद सबको डायरेक्शन देंगे दिशा निर्देश देंगे, ठीक है इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा ख। नेक्स्ट है सूची एक से दो से मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको मिलाना है जो आपको आ रहा है कि शैक्षिक जिम्नास्टिक को स्वीडन में अपनाया गया था, ठीक है शैक्षिक जिम्नास्टिक को स्वीडन में अपनाया गया था, तो एक ऑफ फोर हो जाएगा। एंड टर्नवेनियम मूवमेंट दिया था फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मनी में, तो बी का थ्री हो जाएगा। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट होता था सैनिक प्रशिक्षण के लिए रोम में, तो आपका टू का सी का टू हो जाएगा। स्टेज रेस होता था प्राचीन ओलंपिक में, तो डी का वन हो जाएगा, ठीक है को आपका राइट है।
नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, मिलाना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो हृदय में फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाता है, हृदय में फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है दोस्तों? पल्मोनरी वेन आता है। कौन लाता है? पल्मोनरी वेन आता है। तो बी का वन हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का वन हो जाएगा। एंड हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है, तो हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाती है? कोरोनरी आर्टरी। तो डी का टू हो जाएगा, तो बी का वन, डी का टू। एंड ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में लाती है, ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में कौन लाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में कौन लाता है? तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, यहां पे देखो एओर्टा, एओर्टा क्या होता है? हृदय से दूर जाने वाली, हृदय से दूर जाने वाली प्रथम धमनी होती है एओर्टा। हृदय से दूर जाने वाली प्रथम धमनी कौन होती है? एओर्टा। अब उसी से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं जिससे समस्त शरीर में रक्त पहुंचता है। तो ए का फोर हो जाएगा। एंड सी है तुम्हारा वेना कावा, यानी कि जो धमनी शिराएं होती हैं उसको वेना कावा बोला जाता है। ये समस्त शरीर से अशुद्ध रक्तों को फेफड़े में लाती है, दाएं फेफड़े में, दाएं अलिन में। तो इसका हो जाएगा फाइव कि ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय की ओर लाती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ग। नेक्स्ट है, आपको फिर से मिलान करना है गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। तो गुरुत्व बल आपका क्या करता है? यहां पे ए का हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर होगा को। तो ए का थ्री हो जाएगा, ए का थ्री हो जाएगा, निर्बाध गिरना। एंड बी है घर्षण बल, बी का वन होगा, स्थायित्व होता है। घर्षण बल नहीं रहेगा तो फिसल के आप गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। सी है उद्धरण बल, बायोन्स फोर्स। तो बायोन्सी फोर्स के लॉ के आधार पर हम तैरते हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा सी का फोर, सी का फोर। लचक बल, इलास्टिक फोर्स में स्थायित्व क्या आता है? प्रतिक्षिप्तता आती है, ठीक है। डी का टू हो जाएगा। इस प्रकार को आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको दोनों सूची से मिलान करना है। पहला है मोटिवेशन प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी। तो मोटिवेशन थ्योरी आपका क्या हो जाएगा? टू, यानी आरोपण सिद्धांत हो जाएगा। खेल सिद्धांत क्या है इसमें? खेल सिद्धांत क्या है? बी का वन हो जाएगा, खेल सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सी है अधिगम थ्योरी, यानी कि लर्निंग थ्योरी जो है इसका हो जाएगा फोर। सक्रिय सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी, जिसको दिया था स्किनर ने। एंड डी है व्यक्तित्व सिद्धांत, पर्सनालिटी थ्योरी। तो पर्सनालिटी थ्योरी आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा घ। नेक्स्ट है, यहां भी आपको मिलान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। बीएमआई, बीएमआई क्या करता है दोस्तों? ये वसा को मेजर करता है। क्या करता है? कि हमारे शरीर में गुड है कि अंडरवेट है कि ओवरवेट है, इसको पता लगाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा। एंड शारीरिक संरचना, जो बॉडी कंपोजिशन है वो स्वास्थ्य संबंधी समझता है, तो बी का थ्री हो जाएगा, यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में आता है बॉडी कंपोजिशन। एंड विस्फोटक बल, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो होता है, प्रदर्शन संबंधी समर्थता है। एंड पोनड्रियल इंडेक्स, यह वसा रहित बॉडी को मेजर करता है। इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा ख। नेक्स्ट, यहां भी आपको मिलान करना है,
तो यहाँ पे आपको देखना है कि लिब्रो किस में पाया जाता है, वॉलीबॉल में, सी का वन हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, वन। स्टॉप बोर्ड किस में पाया जाता है, ट्रैक एंड फील्ड में, तो डी का टू हो जाएगा। एंड बी का फोर, पेनाल्टी स्पॉट किस में पाया जाता है, फुटबॉल में, तो बी का फोर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर किस में पाया जाता है, तो ए का थ्री हो जाएगा, हॉकी में। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा घ। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है, तो यहां पे राइट आंसर होगा ख, यानी कि एफ टेस्ट एनोवा का होगा, बी है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सेंट्रल टेंडेंसी में माधिका आएगा, एंड सी है सहसंबंध कोरिलेशन परीक्षण, इसका वन हो जाएगा, को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड डी है परस्पर विभिन्नता वेरिएबिलिटी का मापन, ये हो जाएगा आपका टू, मानक विचलन। इस प्रकार ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलाना है, तो मिलर वाल वाली टेस्ट, ये आपका है बैडमिंटन से रिलेटेड। मिलर वाल वाली टेस्ट किससे रिलेटेड है, जितने भी स्किल टेस्ट हैं, स्किल जितने भी टेस्ट हैं उन सबको जानने के लिए परीक्षा मापन वाले टेस्ट मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, और इन सब वीडियो को सभी स्किल के, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल, सभी के टेस्ट को आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलर वाल वाले टेस्ट है बैडमिंटन में, ए का टू हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा। एंड पी सी आर जब हृदय धड़कना बंद करने होता है, यानी कि कम हो जाता है, उसमें पीसीआर देते हैं, थपथपाते हैं छाती को, जिससे पुनः सही हो जाता है, तो कार्डियो रिस्पिरेटरी आपका होगा पीसीआर, तो बी का थ्री हो जाएगा। एससीएटी, सी का फोर हो जाएगा, उद्वेग एंजाइटी होता है। एंड ग्रुप एनवायरमेंट प्रश्नावली, इसका हो जाएगा डी का वन। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा क। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है, खेलों से रिलेटेड है, ए है 3 सेकेंड नियम, तो 3 सेकेंड नियम किसमें होता है दोस्तों, बास्केटबॉल में, तो ए का फाइव हो जाएगा, ठीक। एंड थ्रो इन शब्द किसमें होता है, फुटबॉल में, तो बी का वन हो जाएगा। एंड सर्विस शब्द किससे होता है, किसमें होता है, बैडमिंटन में, तो डी का थ्री हो जाएगा। एंड स्ट्रेट पुश किसमें होता है, तो हॉकी में होता है, तो सी का टू हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए गए हैं पढ़ने के लिए, उसके आधार पर और क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक संताप टीचर बर्न का निम्न में से कौन सा प्रचलित कारण है, तो यहाँ पे प्रचलित कारण है राजनीतिक समर्थन, पॉलिटिकल सपोर्ट का अभाव। ठीक है, शिक्षक संताप जो है, जो टीचर बर्न है, वो उसका कौन सा प्रचलित कारण है, पॉलिटिकल सपोर्ट न होना। नेक्स्ट है प्रशिक्षक संताप कोच बर्न आउट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका है अभी प्रशासनिक तथा सामुदायिक दबाव, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिटी प्रेशर। नेक्स्ट है शारीरिक प्रशिक्षक टीचर कोच की भूमिका के संघर्ष में कौन सा कारक संताप उत्पन्न करता है, तो यहां पे आपको संताप उत्पन्न करता है एक शिक्षक तथा प्रशिक्षक होने से अपेक्षाएं। नेक्स्ट है शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों क्षेत्र में संताप यानी बर्नआउट उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत समस्याएं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने का सर्वाधिक प्रबल कारक है। तो दोस्तों ये था 50 MCQ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अपनी गलतियों का पता चल सके, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।